जो इन्वेस्टिगेशन है भाई वो बैन नहीं कर सकता। मैं अगर 150 में भी चल रहा हूँ या 200 में चल रहा हूँ, मेरा मेन कंसंट्रेशन आगे रहता है। मेरे सामने अगर कोई बंदा गिरा होता या मुझे अगर पता लग गया होता कि पीछे बंदा गिर गया, आई स्वेयर भाई मेरी बाइक वहां फेंक देता, मैं उस बंदे के पास आता। और ये मुझे नहीं पता कि ये देखो मैं कोई सफाई नहीं दे रहा। मैंने कहा कि पापा के साथ बात की कि बाइक साइड का टायर जो फटा था, तो उसके पापा के साथ बात की उन्होंने। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू चैनल। तो यार ये वीडियो तो बननी ही नहीं थी ना, इस वीडियो का कोई प्लान नहीं था, ठीक है? मतलब ये वीडियो तो ऐसे कुछ लॉजिक नहीं था इस वीडियो का। तो यार मैंने पिछली वीडियो डाली थी जिसमें अगस्त्य भाई की जो बुआ है उन्होंने एक क्लिप थी उनकी, वो मैंने डाली हुई है वीडियो में। उनका उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पे आप जाके ना चेक कर सकते हैं वो वीडियो। उस वीडियो में मेरे को अप्रॉक्स 1500 कमेंट्स हैं, ठीक है? उसमें 1500 अगर कमेंट्स हैं ना, तो उसमें 750 लोगों ने ये भी कहा कि इट्स गुड जो बुआ ने कहा, और उसमें 750 लोगों ने ये भी कहा कि आमिर माजिद तू सही है, तू भागा नहीं वहाँ से, हम तेरे साथ हैं। तो मेरे को बहुत ज़रूरी हो गया था इस टॉपिक पे वीडियो बनाना कि यार प्रॉब्लम्स आगे चल क्या रही है, मतलब क्यों उनकी बुआ ने ऐसा रिस्पांस दिखाया हमारे आमिर माजिद पे। तो यार देखो, आमिर माजिद की एक गलती तो बस ये है कि वो उनके फैमिली के साथ क्लेरिफाई नहीं करना चाह रहा चीज़ें, ठीक है? उनकी फैमिली का दावा है कि वो आया ही नहीं जब उनकी डेथ के लास्ट राइट्स थे, वो तब भी नहीं आया। उसने क्लिप हमें नहीं दी, अटकाता रहा कि मैं दे रहा हूँ। उसके बाद यूट्यूब पर डाल रहा है, जो कि उनकी फैमिली क्लेम करी ये फॉर व्यूज़ के लिए कर रहा है, उसके लिए कर रहा है। तो उनकी तरफ से ये है, और आमिर माजिद की तरफ से भी खुद कुछ क्लेरिफिकेशन नहीं आ रही, ठीक है? अब जो उनकी बुआ है उनकी तरफ से एक वीडियो आया है जिसमें उन्होंने बहुत ही ज़्यादा गालियाँ दी आमिर माजिद को, उनकी फैमिली पर बोला है, तो वो भी एक गलत बात ही है। आई नो आपका बहुत बड़ा लॉस हुआ है, हमारा बहुत बड़ा लॉस हुआ है, अगस्त्य भाई हमारे बहुत क्लोज थे, मैं उनकी एक वीडियो देखता था, बट ऐसे आप किसी की फैमिली पे तो नहीं बोल सकते ना आंटी। तो एक ये मैं आपको बस बोलना चाहूँगा, अब मेरे को पता है कि आप गुस्से में हैं, आमिर माजिद की गलती है, बट प्लीज़ आप, मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इतना बुरा मत बोलिए। उन्होंने मेरे को सर इतनी सी बात बोली और मैंने फ़ोन काटा, मैंने फ़ोन किया आगे, मैंने कहा कि सारे के सारे भाई रुक जाओ वहीं से यू टर्न ले लो, अगस्त्य भाई का एक्सीडेंट हो गया। मैंने टोल प्लाजा क्रॉस किया था स्लिप दिखा के, मैंने वहां से आगे सीधा स्ट्रेच मारा, हमने कहा यू टर्न लो भाई, यू टर्न नहीं आ रहा था, यू टर्न लो। उन्होंने कहा कि भाई सारी की सारी बाइक्स वगैरह जो है यहाँ रखते हैं, गाड़ी में बैठते हैं भाई, जाके स्पॉट पे। अभी मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ, सारे भाई बोल रहे हैं कि तुम ना एक्सीडेंट स्पॉट पे पहुंचे नहीं, तुम सारे भाग गए, तुम घर चले गए भाई, वहां तक पहुंचते। आमिर माजिद के साथ प्लीज थिंग्स क्लैरिफाई करिए। आमिर माजिद से मैं बस ये बोलूंगा कि भाई तेरे 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, 2.5 मिलियन से ऊपर हो गए हैं तेरे सब्सक्राइबर, तेरी इतनी बड़ी ऑडियंस है, वो सब ये सब देख रहे हैं कि तुझे कैसे गालियां पड़ रही हैं, तुझे ये हो रहा है, तो क्यों नहीं तू आ रहा है यार सामने, क्यों नहीं तू अब सब कुछ क्लैरिफाई कर रहा, क्यों नहीं उनकी फैमिली से तू बात कर रहा, मतलब क्यों 2.5 लाख की ऑडियंस को ऐसे, वो भाई वो तो तेरे से यही एक्सपेक्ट करेगा ना कि तू उसको जल्द से जल्द उसका सारा सिस्टम सेट करे और मतलब निकले। कल को मेरे साथ कुछ ऐसा होता है, मैं किसी के साथ गया हूँ, अगर वहाँ से भाग गया हूँ, कुछ भी हुआ यार, तो मेरा सबसे पहला काम रहेगा कि उसकी फैमिली को क्लैरिफिकेशन दूँ, फैमिली को एक्सप्लेनेशन दूँ। उनकी फैमिली अभी भी ये क्लेम कर रही है कि आमिर माजिद ने हमें कुछ अभी तक क्लिप्स नहीं दी, कुछ नहीं दी, यार ऐसा तो नहीं चलेगा ना यार। तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ऐसे तो उनकी फैमिली से अगर एक ये वीडियो आई है, कल को और 5-6 वीडियोस आ जाएंगी आमिर माजिद तुझ पे, तुझे गालियां पड़ेंगी, तेरी फैमिली को गालियां चल। तो मैं बस, अगर तू मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो यार मैं तेरे से यही एक्सपेक्ट करूंगा कि तू जल्द से जल्द थिंग्स शॉर्ट आउट कर यार, क्योंकि जम्मू से तेरे इतने सब्सक्राइबर हैं, बाहर कहां से तेरे इतने सब्सक्राइबर नहीं है, सब बस यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द तू थिंग्स क्लैरिफाई करे। क्यों मतलब तुझे अगर मतलब उनकी बुआ का कहना है कि तू भाग गया, अब वो मुझे नहीं पता कि तू भागा तू नहीं भागा, कितनी सच्चाई है इस बात में, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, ना कुछ क्लैरिफाई हुआ है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और मैं अगस्त्य की फैमिली को भी एक रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा सा हौसला रखे, कुछ ना कुछ देखो, झूठ या सच तो इतनी देर तक ना सामने छुप नहीं सकता, तो बस ऐसी बात है कि जल्द से जल्दी ये सीन ठीक हो जाए। तो गाइज बस मैं यही चाहूँगा आपसे, एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ कमेंट्स में आमिर माजिद को गालियाँ मत निकालो, उनकी अगस्त्य की फैमिली को मत बोलो कि आंटी आपने ऐसा कर दिया, आंटी ने अगर ऐसा बोला है तो जेन्युइन बात है यार, गाली निकलती है, बट मैं बस इतना बोलूँगा कि प्लीज़ थोड़ा सा इमोशंस को कंट्रोल रखें, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और मैं बस यही चाहूँगा कि जल्द से जल्द ना थिंग्स सॉर्ट आउट हो जाएं, क्योंकि आमिर माजिद को इतना इस केस में तो उसके बस ऐसा ही हो गया कि उसको ही इज़ द मर्डरर, उसने ही किया जो किया है, भागा क्यों कहाँ भागा वो ही बेटर जानता है, और वही ये चीज़ें क्लैरिफाई कर सकता है कि उसको सच में पता लगा नहीं लगा, वो क्यों नहीं गया, उसके अगस्त्य के पापा को क्यों नहीं फ़ोन किया। तो यार बस मैं यही चाहूँगा,
कि आमिर माजिद जल्द से जल्द अपनी क्लैरिफिकेशन दे दे, और अगस्ते की फैमिली से भी अपील करूंगा कि थोड़ा हौसला बनाए रखें, जल्द से जल्द कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा। तो बस यही था इस वीडियो में, और ये बहुत ज़रूरी हो गया था वीडियो मेरे लिए बनाना यार, क्योंकि इतने कमेंट्स आ रहे थे मेरी पिछली क्लिप पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा उस क्लिप का, उस वीडियो का, तो इतने कमेंट्स आए थे ना, मेरे को बनता था ये वीडियो बनाना। तो बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होप सो सब सही हो जाए यार,